हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर फ्यूचर स्टडी में। तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे। उसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो बताने बहुत जरूरी थे, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस, और जैसे अभी ये वेयर टू यूज सब्जेक्ट प्लस V1 V5। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स है जो जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कहां पर V1 या V5 का यूज होता है, किन किन सिचुएशंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां समथिंग दैट इज परमानेंट इन प्रेजेंट, जहां पर कुछ प्रेजेंट में परमानेंट हो, जैसे कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो या ट्रूथ हो, तो वहां पर प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी V1 या V5 यूज होगा। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक परमानेंट चीज है और वो प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे V5 यूज होगा। V5 मैंने आपको V1, V2, V3, V4, V5 इन वर्ब्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। तो अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज लास्ट वीडियो देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि V1 या V5 क्या होता है, ठीक है। और एक चीज और, यूनिवर्सल फैक्ट और ट्रूथ। फैक्ट और ट्रूथ में क्या डिफरेंस होता है? बहुत से लोग इसे एक ही समझते हैं, बट ये एक नहीं होता है। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि फैक्ट और ट्रूथ में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या डिफरेंस होता है। फैक्ट वो होता है जो मैनमेड होता है, जिसे मनुष्य ने बनाया है, और ट्रूथ वो होता है जो नेचुरल होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, अगर कोई कभी पूछ ले तो इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रेगुलर एक्शन इन प्रेजेंट। अगर कोई एक्शन रेगुलर हो रहा है प्रेजेंट में, जैसे एवरीडे, डेली, इस टाइप से अगर कुछ हो रहा है, जैसे आप स्कूल जा रहे हो डेली, कॉलेज जा रहे हो, इंस्टीट्यूट जा रहे हो, या वीडियो देख रहे हो डेली, सुबह 7 बजे 6 बजे उठ रहे हो डेली, पढ़ाई कर रहे हो डेली, तो ऐसे में जो रेगुलर एक्शन होते हैं और जो प्रेजेंट में होंगे, वहां पर V1 या V5 का यूज होगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें कोई रेगुलर एक्शन नहीं है, रेगुलर एक्शन का कोई सिंबल नहीं है कि एवरीडे या डेली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सेंटेंस ठीक है, बट आई एम गोइंग टू स्कूल एवरीडे, एवरीडे आ गया, सिंबल आ गया, रेगुलर एक्शन का सिंबल आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? V1 या V5। एम गोइंग नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आई के साथ क्या लगता है? गो या गोज, तो आई के साथ गो लगता है, V1 लगता है, SAES का यूज नहीं होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। और फ्रेंड्स एक चीज और, एवरीडे और डेली में क्या डिफरेंस होता है? हम ये सोचते हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इन दोनों में भी डिफरेंस होता है। जैसे एवरीडे वहां यूज होता है जब हम एक पूरे दिन में कोई भी काम एक बार करते हैं, जैसे कि स्कूल जाते हैं, तो एक बार ही स्कूल जाते हैं, तो वहां पे एवरीडे यूज होगा। लेकिन जब एक दिन में एक काम को कई बार करते हैं, तो वहां पे डेली यूज होता है। जैसे हम दिन में कई बार पढ़ते हैं, तो वहां पे डेली यूज होगा। तो फ्रेंड्स इनमें हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा जहां पर V1 या V5 का यूज होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हैबिचुअल एक्शन इन प्रेजेंट। तो कोई भी हैबिचुअल एक्शन होता है प्रेजेंट में, वहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। जैसे आई एम वॉकिंग इन दिस फील्ड डेली, तो सबसे पहले तो डेली आ गया। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट पॉइंट में कि जहां पे डेली, एवरीडे ये आ जाती है, सिंबल्स होते हैं, तो वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है। और यहाँ पे जैसे आई एम वॉकिंग इन दिस फील्ड डेली, तो यहाँ पे एक हैबिट है, तो उस हैबिट को शो किया गया है, तो वहां पे हमेशा V1 या V5 यूज होती है। तो आई के साथ V1 यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, SAES नहीं लगेगा। मैंने आपको बताया कि आई के साथ प्रेजेंट में प्लूरल होता है आई। नेक्स्ट पॉइंट है अनलाइक एंड लाइक इन प्रेजेंट। कोई भी अनलाइक या लाइक की चीज होती है प्रेजेंट में, वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। जैसे ही इज लाइकिंग दिस बाइक, तो इज लाइकिंग ये नहीं आएगा,
ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, बट यहाँ पे लाइक्स यूज होगा क्योंकि ये लाइक और अनलाइक का प्रेजेंट में शो किया गया. प्रेजेंट में कभी भी इज लाइकिंग यूज नहीं होगा, इज लाइकिंग, हैज लाइकिंग, हैव लाइकिंग, ऐसा कुछ यूज नहीं होगा. यहाँ पे ओनली लाइक यूज होगा. ही है तो लाइक्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी. ही के साथ मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि ही शी इट दे, ही शी इट, इनके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है. सी इज डिसलाइकिंग दिस शो. तो डिसलाइकिंग के केस में भी यहाँ पे इज डिसलाइकिंग नहीं होगा, ओनली डिसलाइक होगा. डिसलाइक्स सी की वजह से डिसलाइक्स होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा शी है, तो उसके साथ एस ए एस यूज होगा, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी. ये लाइकिंग वाला केस जो है, ये लाइकिंग वाला केस लास्ट टाइम जो केवीएस का एग्जाम था 22 दिसंबर का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था लाइकिंग. लाइक की फॉर्म्स में जितनी जो पांच फॉर्म होती हैं उसमें लाइकिंग कोई भी आईएनजी फॉर्म इसकी नहीं बनती है. ओनली लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइक्स, ये फॉर्म होती है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है. ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, लाइक की कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है. तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, फुल टाइम जॉब एंड पार्ट टाइम जॉब. इसमें भी हमें देखना, इसमें भी V1 और V5 का यूज होता है. ये देखेंगे कि कहां पर V1, V5 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है. तो जो फुल टाइम जॉब होती है वहां पे V1, V5 का यूज होता है. जो पार्ट टाइम जॉब होती है वहां पर इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज होता है, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज होता है. तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं. रवि टीचेस इंग्लिश इन दिस स्कूल, तो ये फुल टाइम है, फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट यानी V1 या V5. तो यहाँ पे V5 लगी हुई है तो इसका मतलब ये ठीक है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. रवि टीचेस इंग्लिश इन दीज डेज, तो ये पार्ट टाइम है. दीज डेज मतलब इन दिनों पढ़ा रहा है, ये नहीं है कि वो पढ़ा ही रहा है कंटिन्यू, तो दीज डेज इसलिए ये पार्ट टाइम है. तो यहाँ पे टीचेस तो जो कि गलत है, पार्ट टाइम में इज एम आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज होता है. तो यहाँ पे इज टीचिंग इज राइट. तो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. माई फादर इज वर्किंग इन पुलिस, तो ये भी फुल टाइम जॉब है. तो यहाँ पे इज वर्किंग की जगह वर्क्स आएगा. तो आप इस पे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वर्क्स क्यों आएगा, वर्क क्यों नहीं आएगा. तो देखिए माई फादर सिंगुलर नाउन है, तो मैंने बताया था आपको सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस का यूज होता है. तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा टॉपिक कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें. थैंक यू.